आज हम करेंगे कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कोलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या कहा कोलबर्ग ने? कोलबर्ग ने और जीन प्याजे हैं, दोनों ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास को तीन लेवल यानी तीन स्तर दिए हैं, तीन लेवल दिए हैं, जिसमें जिन तीन लेवल के अंदर सिक्स स्टेजेस हैं। यहाँ पर है तीन स्तर हैं और छह अवस्थाएं हैं। तो अब पहले हम करेंगे जो नैतिक विकास है यानी मोरल डेवलपमेंट है, उसके थ्री लेवल कौन से हैं, फिर लेवल के बाद देखेंगे स्टेजेस। जो फर्स्ट लेवल है वो क्या? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। फिर सेकंड जो लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल है जो उसकी एज क्या है, 4 से 9 वर्ष। और कन्वेंशनल क्या है, 9 से 12 वर्ष। और पोस्ट कन्वेंशनल 12 से 18 वर्ष। अब हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की। सो यहाँ पर हमने बात की तीन लेवल और सिक्स स्टेज कैसे बनेंगी इसमें। जैसे कि फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, ये है प्री कन्वेंशनल लेवल, ये मैंने हाईलाइट कर दिया प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल की जो है दो स्टेजेस हैं, ऐसे ही जो कन्वेंशनल लेवल उसकी भी दो स्टेजेस होंगी और पोस्ट कन्वेंशनल की भी दो स्टेज होंगी। तो यानी कि जो तीन लेवल हैं इनकी दो दो स्टेजेस हो जाएंगी, तो टोटल सिक्स स्टेज बन जाएंगी। और यही हमने यहाँ पर कहा है कि तीन लेवल हैं और छह स्टेजेस हैं। अब बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की जो स्टेजेस हैं वो क्या। फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। एंड सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। सो अब हम करेंगे जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है वो इसके अंदर क्या है, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन में है। जब बच्चा पहली अवस्था में नैतिक विकास सीखता है यानी बच्चा मोरलिटी सीखता है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, अगर उसने कोई काम नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा, यही यहाँ पर है। अगर उस पनिशमेंट के डर से वो आज्ञा से या आज्ञा से वो सीखता है। अगला क्या है, साधन सापेक्षता। क्या है साधन सापेक्षता, क्या है ये सेकंड स्टेज है जिसके अंदर क्या, पहले बच्चा दंड एवं आज्ञा से यानी फर्स्ट स्टेज में बच्चा दंड और आज्ञा पालन से सीखता था, लेकिन जो दूसरी अवस्था इसमें वह खुद के लिए करता था, तो उसे किसी काम के लिए जब साधन चाहिए, चीज़ें चाहिए, जैसे जब हम किसी बच्चों को किसी काम के लिए कहते हैं तो उसे बदले में चीज़ों की वह मतलब हम कहेंगे कि ये काम कर दो तो वो किसी चीज़ की डिमांड करेगा। तो यानी कि इस जो स्टेज है इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे किसी और से मतलब नहीं है। तो ये हमारी है सेकेंड स्टेज जिसमें बच्चा अपने यानी इसमें बच्चा जो है अपने काम करवाने के लिए काम करता है, इसीलिए वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा अपने स्वार्थ पूर्ति के बारे में सोचता है, कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अपने स्वार्थी बन जाता है, ये भी बोल सकते हैं साधन सापेक्षता वाली अवस्था सेकंड स्टेज। अब नेक्स्ट क्या, जो अभी प्रेरणा है यानी मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल है और व्यवहार क्या है एक्सटर्नल, ये हमें याद रखना है। अब सेकंड स्टेज की बात करेंगे क्या है, जिसके अंदर क्या है कन्वेंशनल लेवल थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल क्या थी, 9 से 12 वर्ष थी, जिसमें हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है, क्योंकि हर जो लेवल है उसमें दो दो स्टेजेस हैं, तो दो स्टेज बात कर सकते हैं। तो जो सेकंड लेवल है उसमें भी दो स्टेज हैं, तो पहली क्या है
जो थर्ड नंबर पे वो स्टेज क्या, बी ए गुड चाइल्ड, अच्छा बनने, अच्छा बच्चा बनने की धारणा, या फिर इसको कहते हैं इंटरपर्सन, परस्पर एक रूपता अभिमुखता। और फोर्थ स्टेज, फोर्थ लेवल क्या है, सॉरी फोर्थ स्टेज कहेंगे, लो एंड ऑर्डर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। सो इनके अंदर क्या होता है, मतलब ये जो लेवल स्टेज है इसके अंदर क्या होता है वो बताते हैं। तो अब हम करेंगे जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, अच्छा बच्चा बनने की धारणा। इसके अंदर क्या है कि बच्चा है खुद को अच्छा कहलवाने के लिए, बच्चा खुद को अच्छा कहलवाने के लिए क्या करता है, खुद की तारीफ करवाना चाहता है, इसीलिए वो कार्य करता है। ये होता है हमारा अच्छा बच्चा बनने की धारणा, इसको परस्पर एक रूप अभिमुखता भी कहते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि अध्यापक से शिकायत लगाने की प्रवृत्ति कोलबर की कौन सी अवस्था में है। सो अगर मान लो कोई बच्चा है वो अध्यापक से शिकायत लगा रहा है किसी की, तो वो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है अध्यापक की नज़रों में, तो ये थर्ड स्टेज है। जैसा जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कोई बच्चा कहता है कि सब बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर से खुद की तारीफ करवाता था, तो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा, तो ये अच्छा बच्चा बनने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा है सड़क पर जा रहा था, ठीक है, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति की सड़क पार करने में सहायता की, तो ये कोलबर की कौन सी अवस्था है ये कह रहा है। सो ये इसके अंदर कह रहा है कि बताओ ये कोलबर की कौन सी अवस्था है, ये क्या है, थर्ड स्टेज है और सेकंड लेवल है। क्योंकि अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई पॉजिटिविटी भी दिखती है ना, तो भी वो सेकंड लेवल थर्ड स्टेज में आएगा, या फिर वो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करा तो भी वो सेकंड लेवल और थर्ड स्टेज में है। अब फोर्थ स्टेज क्या है, कानून एवं विधि अभिमुखता क्या है इसके अंदर, इसमें बच्चा सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोरलिटी को सीखता है, यानी वो जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है, उसको सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी हमें हमारी मोरलिटी, हमारे नैतिक उत्तरदायित्व हैं, रूल रेगुलेशन हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। सो ये हमारा है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। जैसे इसका एग्जांपल भी दिया हमें, क्या है कि बच्चा है लेफ्ट साइड चलता है, सड़क के लेफ्ट साइड चलता है, इससे वह रूल को फॉलो करा रहा है, इससे बच्चे को सही या गलत का पता चल जाता है। सो ये इसमें यही बताया गया कि वो रूल को फॉलो कर रहा है तो उसको सही गलत का पता चल चुका है कि क्या सही क्या गलत है। हमसे पूछे बच्चों को सही गलत का ज्ञान किस अवस्था में पता चलता है, तो वो सेकेंड लेवल और फोर्थ स्टेज में, सेकेंड लेवल की फोर्थ स्टेज में पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, एक बच्चे ने सहपाठी के बैग से पेंसिल चोरी की है, तो बच्चे को पता है कि चोरी करने पर उसको दंड मिलेगा, है ना, तो ये कोलबर की कौन सी अवस्था है, तो ये जब उसको दंड का और सही गलत का पता चल जाता है तो सेकंड तो लेवल होती है, स्टेज क्या है, ये फोर है सेकंड लेवल की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो थर्ड लेवल है वो क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि है 12 से 18 वर्ष, जिसके अंदर हमारी स्टेज 5 है सोशल कनेक्शन एंड इंडिविजुअल राइट, और 6 क्या है यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, 6 है ये 5th है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सो हम बात करते हैं जो 5th स्टेज है वो है सोशल कनेक्शन, सामाजिक संपर्क। इस अवस्था में बच्चा है सोशल यानी समाज से कनेक्ट हो जाता, वह जो भी करता समाज के संपर्क में, यानी कि सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है बच्चा, सोसाइटी के रूल रेगुलेशन मोरलिटी को सीखता है इस स्टेज में बच्चा। सही का गलत का पता फोर्थ स्टेज में लग जाता, लेकिन सही गलत में अंतर करना और सही गलत के अकॉर्डिंग व्यवहार करना ये मैं
हाईलाइट कर लेती हूँ, इम्पोर्टेंट है ये कि सही गलत का पता आता तो वो फर्स्ट स्टेज में भी कर रहा था, लेकिन सही गलत का पता, जैसे बच्चे को एग्जांपल दिया था कि उसको पेंसिल चोरी कर ली, लेकिन उसको पता था कि पेंसिल चोरी करना गलत है। यहाँ पर वो सही गलत में अंतर करके उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, और ये हमारा फिफ्थ स्टेज में है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा जब गलत होता हुआ देखता है तो वह उसे बदलना चाहता, लेकिन बदल नहीं पाता, क्योंकि अभी उसकी एज इतनी नहीं है कि वह कुछ चेंज कर सके। तो इसके अंदर बस यही है कि बच्चे को पता है गलत है, वो हो रहा है, उसको बदलना भी चाहता है। और नेक्स्ट क्या थी, सिक्स्थ स्टेज क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये अंतिम अवस्था है कोलबर्ग की। इसमें कोलबर्ग क्या कहता है कि जो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। हाईलाइट कर देते हैं, बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, और वह आगे जो आगे की एज है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। तो वो आगे की एज के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। इस अवस्था में बच्चे का मेंटल लेवल इतना होता है कि वह जो अपने विचारों से है वो दुनिया को बदल सकता है। बच्चे का मेंटल लेवल इस स्टेज पर हो जाता है कि वो दुनिया से मतलब अपने विचारों से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज है जो कोलबर्ग की सार्वभौमिक नैतिक विकास उसमें आता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बच्चा है उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, पूरा कॉलेज उसके पीछे चला जाता है, प्रिंसिपल को कहा जाता है कि वापस लाया जाए बच्चे को वह। और ये जो स्टेटमेंट दी है कौन सी अवस्था में आती है, सिक्स स्टेज में आती है, यानी जो बच्चा है सभी बच्चे मिलकर एक बच्चे को लाना चाहते हैं, यानी उसके अंदर इतने विचार उसके प्रभावित हो चुके हैं कि वो सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहा है। हिंट क्या है, युवा कॉलेज स्तर क्या है, थर्ड लेवल होता है, फिफ्थ और सिक्स ये कह रहा, जो कॉलेज लेवल है वो थर्ड, जो हमारा लेवल है उसकी फिफ्थ एंड सिक्स स्टेज उसी के अंदर आएंगे। युवा अवस्था में विचारों से प्रभावित करता तभी सब उसके, इसके अंदर इसने क्या बोला है यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही थी, जो वो एक व्यक्ति है एक युवा है जिसको कॉलेज से निकाला गया है, उसने अपने विचारों से सभी को इतना प्रभावित कर दिया कि वे सभी उसके पीछे जाते हैं उसको कॉलेज में वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कोलबर्ग के हिसाब से फर्स्ट लेवल पर क्या नहीं आता, यानी जो हमने फर्स्ट लेवल किया था वो क्या था, वो हमारा था दंड और आज्ञा पालन था, ये तो आता ही है, ओके। क्या नहीं आता इसने पूछा है, कानून, आत्म केंद्रीय सेल्फ सेंटर होता है फर्स्ट लेवल में ही होता है बच्चा, साधन सापेक्षता ये फर्स्ट लेवल में होता है, ये फोर्थ कानून एवं अभिमुखता ये क्या है, सोशल ऑर्डर वो मतलब सोशल ऑर्डर फॉलो करता है वो फोर्थ स्टेज में। अब नेक्स्ट है कोलबर्ग के किस लेवल पर बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है और क्या होता है, यानी इसने सारे लेवल पर बच्चे का बिहेवियर मोटिवेशन पूछा हमसे। तो जो लेवल फर्स्ट है उस पर बच्चे का एक्सटर्नल यानी कि उसका मोटिवेशन तो है एक्सटर्नल है, बिहेवियर भी एक्सटर्नल है। अब सेकंड लेवल पे उसका मोटिवेशन है वो भी इंटरनल होता है, बिहेवियर एक्सटर्नल होता है। थर्ड लेवल पर क्या है, मोटिवेशन और बिहेवियर दोनों ही इंटरनल है, यानी उसके अंदर खुद की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलबर्ग के हिसाब से बच्चा सही और गलत में बहुत कंफ्यूज होता है, यह क्या कहलाता है, इसको मोरल कन्फ्लिक्ट या मोरल डिलेमा भी बोलते हैं। सो ये हमारी कोलबर्ग की हमारी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कंप्लीट हो चुकी है, इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा।